नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने काफ़ी अच्छा उतार चढ़ाव आते हुए देखा, जहां कॉटन के प्राइस में अपने पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 19,000 से 19,200 का एक दायरा बना हुआ है। अनलेस एंड अंटिल ये दायरा तोड़ता है, मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अराइवल्स बढ़े हैं, जिसके चलते प्रेशर जरूर बना हुआ है। जबकि इंटरनेशनल में हमने देखा है कोरोना वायरस का जो कंसर्न है वो अब कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से चाइना की जो नई रिपोर्ट आई जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रेशर बना हुआ था या स्पीड ऑफ डेथ थी वो कम हुई है, जिसके चलते इंटरनेशनल कॉटन के प्राइजेस में थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी सीधी सीधी सपोर्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएंगे। टेक्निकली भी 19,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, जो 19,150 से 19,200 तक का लेवल दिखा सकता है। कपास में दिन के सेशन में गिरावट रह सकती है, जो 1,030 तक दिखा सकता है। सेकेंड हाफ में मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, जो 1,040 से 1,045 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। कॉटन सीड ऑयल के अराइवल्स के प्रेशर के चलते, आवक अच्छी रहने के चलते हमने प्राइजेस में बड़ी गिरावट आती हुई देखी। टेक्निकली 1,650-60 का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। हो सकता है मॉर्निंग सेशन में ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, बट इवनिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 1,700 का लेवल पार करके वापस होल्ड करता हुआ दिखाई देता है। जिस ढंग से हमने देखा अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस ने की लेवल 1,700 का लेवल तोड़ा है, तो आज मॉर्निंग सेशन में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जो 1,640-1,650 का लेवल दिखा दे। बट ध्यान रखिए, कल इंटरनेशनल मार्केट सब खुले हैं, डोमेस्टिक मार्केट शिव जयंती के चलते हॉलीडे मोड में रहेगा, जिसके चलते शॉर्टर वीक है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन की छुट्टी के चलते लोगों में शॉर्ट पोजीशंस कैरी नहीं करने की होड़ में सेकेंड हाफ में हम एक शॉर्ट कवरिंग देखते हुए जा सकते हैं, जो सोमवार को 1,700-1,720 तक का लेवल फिर से कॉटन सीड ऑयल केक में दिखा देगा। धन्यवाद।